गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर एच जी एम ऑनलाइन क्लासेस। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न रिमेनिंग पोर्शन ऑफ लेसन नंबर 1.5, जोन ऑफ आर्क। इन लास्ट वीडियो वी हैड ऑन पेज नंबर 30 रॉबर्ट्स इन ब्रैकेट शॉप टू फ्री ऑर्लियंस। जब जॉन ने बोला कि मुझे जो सोल्जर की आवश्यकता है वो सोल्जर्स में लेकर जो ऑर्लियंस नाम की सिटी है जो उसे मैं फ्री करवाना चाहती हूँ, उस सिटी को मैं जो अंग्रेज़ों के हाथ में है, इस वक्त इंग्लिश मेंस उसके ऊपर दबदबा बनाकर बैठे हुए हैं, उनसे मैं वह फ्री करना चाहती हूँ। तो यह सुनकर रॉबर्ट को एकदम शॉक लगा कि यह एक लड़की उन अंग्रेज़ों के खिलाफ, इंग्लिश मैन के खिलाफ कैसे क्या लड़ेगी और यह इतनी बड़ी बात कैसे बोल रही है। और उसे जो डॉफिन है, जो जो किंग है अभी फिलहाल फ्रांस का, तो वह भी उसे मदद करने के लिए तैयार है। तो यह सब कुछ सुनकर रॉबर्ट को बहुत शॉक लगा। जोन सिंपली यस स्क्वायर, थ्री मैन विल इनफ टू यू सेंड विथ मी। यस, मुझे ऑर्लियन को फ्री कराना ही है, बस तीन ही मेज काफ़ी है इस मेरे मिशन के लिए। पॉली एंड जैक हैव प्रॉमिस टू कम विथ मी। पॉली और जैक ने मुझे प्रॉमिस किया है, वचन दिया है कि हम आपके साथ आएंगे। रॉबर्ट, यू मीन मॉन्जियर डी पॉलिंजी। मॉन्जियर मीन्स मिस्टर, फ्रेंच में इसे मिस्टर बोला जाता है, सॉरी जो हम जिसे मिस्टर बोलते हैं, जैसे मिस्टर रॉबर्ट है तो मिस्टर पॉलिंजी हम इसे बोल सकते हैं, लेकिन फ्रेंच में मिस्टर को मॉन्जियर कहा जाता है। तो रॉबर्ट बोलता है, यू मीन मॉन्जियर डी पॉलिंजी, आपके बोलने का मतलब है जिसको आप पॉली बोल रहे हो, जो पॉली नाम बोला है तो वो पॉलिंजी है। जोन, यस स्क्वायर, जैक विल कम विलिंगली। हाँ, पॉलिंजी मेरे साथ आने वाले हैं। जैक विल कम विलिंगली, जैक भी आने का इच्छुक है, वो भी हमारे साथ आना चाहता है। ही इज अ वेरी काइंड जेंटलमैन। तो जैक है, ही इज वेरी काइंड जेंटलमैन, बहुत ही सभ्य पुरुष है। एंड गिव्स मी मनी टू गिव टू द पुअर, और उसने मुझे गरीबों में दान करने के लिए, बांटने के लिए मुझे पैसे भी दिए हैं। आई थिंक जॉन गॉडसेव विल कम, और मैं सोच रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जॉन गॉडसेव विल कम, जो जॉन गॉडसेव है वह भी मेरे साथ आएगा। एंड डिक द आर्चर एंड देयर सर्वेंट्स जॉन ऑफ हॉर्नकोर्ट एंड जूलियन। मेरे साथ सिर्फ जॉन गॉडसेव ही नहीं आएगा, तो डिक जो जो कि आर्चर है, धनुर्धारी है, और उसके साथ में जो भी उसके सर्वेंट्स है वो भी मेरे साथ आना चाहेंगे। जॉन ऑफ हॉर्नकोर्ट एंड जूलियन आल्सो रेडी टू कम विथ जोन। देयर विल बी नो ट्रबल फॉर यू स्क्वायर, आपके लिए कोई तकलीफ की बात नहीं है, आपको कोई भी कुछ भी तकलीफ नहीं होगी। आई हैव अरेंज इट ऑल, मैंने पहले ही अरेंज करके सब कुछ रख लिया है। यू हैव ओनली टू गिव द ऑर्डर, बस आपको ऑर्डर देना है, कितने लोग मेरे साथ आना है, कौन कौन मेरे साथ आएंगे, इसका पूरा मैंने अरेंजमेंट पहले से ही कर रखा है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा उस जोन ने रॉबर्ट से कहा, सिर्फ आप ऑर्डर दे दो कि वो हम मेरे साथ चले जाए, क्योंकि ये जो सबके सब जो लोग हैं यह रॉबर्ट के नीचे काम करने वाले लोग थे, इसलिए वो बोलती है कि यू हैव ओनली टू गिव द ऑर्डर। रॉबर्ट टू द स्टीवर्ड, इज दिस ट्रू अबाउट मॉन्जियर डी पॉलिंजी।
रॉबर्ट स्टीवर से बोलता है कि ये सब कुछ, ये जो लड़की बोल रही है, जोन जो बोल रही है, ये सब कुछ सत्य है, कि मॉन्जियर डी पोलंजी उसके साथ में जाने के लिए तैयार है। स्टेवर्ड ईगरली, यस सर। एंड अबाउट मॉन्जियर डी मिर्च टू, यस सर, हाँ, मॉन्जियर डी पोलंजी उसके साथ में जाने के लिए तैयार है। मॉन्जियर डी मिर्च टू, और यह जो एक न्यू नेम है यहाँ पर, मॉन्जियर डी मिर्च टू, वह भी उसके साथ में जाने के लिए तैयार है। दे बोथ वॉन्ट टू गो विथ हर, ये दोनों भी, मिस्टर पोलंजी एंड मिस्टर मिर्च, दोनों भी जॉन के साथ जाने के लिए रेडी है। गोस टू द विंडो, रॉबर्ट वहाँ से अपने चेयर से उठता है और विंडो की ओर जाता है। गोस टू द विंडो एंड शाउट्स इन टू द कोर्टयार्ड, अपने विंडोज के पास जाता है, जो कोर्टयार्ड उसे नीचे में दिखाई देता है, जहाँ पर उसके जो सोल्जर से खड़े होते, वहाँ पर ज़ोर से आवाज़ लगाता है, सेंड मॉन्जियर डी पोलंजी टू मी, विल यू, उसे कोई वहाँ पर नीचे में जो लोग दिखते हैं उसमें से एक लोगों को, एक व्यक्ति को आवाज़ देता है कि आप मॉन्जियर डी पोलंजी को ऊपर मेरे पास भेजो। ही टर्न्स टू जॉन, और बाद में वह यानी रॉबर्ट जॉन की तरफ टर्न होता है, उसकी ओर जाता है। गेट आउट एंड वेट इन द यार्ड, और उसे बोलता है जॉन को, गेट आउट यानी इस रूम से आप नीचे चले जाओ और जो यार्ड है, जो कोर्ट यार्ड है, वहाँ पर जाके मेरा इंतज़ार करो। जॉन स्माइलिंग ब्राइटली एट हिम, उसके चिल्लाने पर भी, रॉबर्ट के चिल्लाने पर भी जॉन नाराज नहीं होती, वह उल्टा उसे देख कर स्माइल करती है। स्माइलिंग ब्राइटली एट हिम, राइट स्क्वायर शी गोस आउट, उसे बोलती है कि राइट स्क्वायर ठीक है, और वहाँ से चले जाती है। रॉबर्ट टू द स्टेवर्ड, गो विथ हर, वह उस व्यक्ति को बोलता है कि, दूसरे व्यक्ति को बोलता है कि तुम इसके साथ जाओ, गो विथ हर, जॉन के साथ जाओ। स्टे विद इन कॉल एंड कीप योर आई ऑन, और जब तक मैं उसे बुलाता नहीं तब तक आप उसी के साथ रहो, उसी के साथ रुके रहो, और अपनी नज़रें इस जॉन के ऊपर बनाए रखो। आई शैल हैव हर अप हर अगेन, मैं इसे फिर से ऊपर देखना चाहता हूँ। अभी तो उन्होंने उसे डांट कर नीचे भेज दिया है, लेकिन फिर से मैं रॉबर्ट को ऊपर बुलाऊँगा, मैं उसे यहाँ पर फिर से देखना चाहूँगा। द स्टीवर्ड रिट्रीट्स हैस्टिली, बर्ट्रैंड डी पोलंजी अ फ्रेंच गार्ड एंटर्स सैल्यूट्स एंड स्टैंड वेटिंग्स। स्टीवर्ड उस जोन के पीछे पीछे चले जाता है, और उसके बाद एक न्यू एंट्री होती है, बर्ट्रैंड डी पोलंजी अ फ्रेंच गार्ड एंटर्स, जो मिस्टर पोलंजी है उसकी एंट्री होती है। सैल्यूट्स एंड स्टैंड वेटिंग, और वह रॉबर्ट को सैल्यूट करता है और रॉबर्ट का इंतज़ार करते हुए खड़ा रहता है। रॉबर्ट शी सेज यू, रॉबर्ट पोलंजी की ओर देखते हुए पोलंजी से बोलता है, शी सेज यू जैक एंड डिक हैव ऑफर टू गो विथ हर, वह बोल रही हो, वह जॉन बोलती है, बोल रही है कि आप मीन्स मिस्टर पोलंजी, जैक एंड डिक हैव ऑफर टू गो विथ हर, आप उसके साथ में आपने ऑफर किया उनको, कि आपने तैयारी दिखाई है उनके साथ में जाने के लिए। व्हाट फॉर, डू यू टेक हर क्रेजी आइडिया ऑफ गोइंग टू द डॉल्फिन सीरियसली, और ये ऐसा आपने क्यों किया, डू यू टेक हर क्रेजी आइडिया ऑफ गोइंग टू द डॉल्फिन सीरियसली, उसने जो आइडिया रखा है, उस लड़की, वह जो जोन है, उसने एक तरकीब लगाई है, एक आइडिया रखी है कि उसे डॉल्फिन जाना है, और यह जो आपने उसके इस आइडिया को एकदम सीरियसली ले लिया है। पोलंजी स्लोली यानी बहुत ही धीमी आवाज़ में बोलता है, रिस्पेक्टफुली बोलता है रॉबर्ट को, देर इज़ समथिंग अबाउट हर, इट मे बी वर्थ ट्राइंग, वहाँ उसके लिए कुछ है,
वहाँ उसके लिए कुछ है, इट मे बी वर्थ ट्राइंग, हमें उसके लिए वहाँ पर जाने के बाद कुछ हम जो भी हम ट्राई करेंगे, प्रयत्न करेंगे, तो वहाँ हमें कुछ मिल सकता है। रॉबर्ट, ओ कम कम ऑन पॉली, यू मस्ट बी आउट ऑफ योर माइंड, रॉबर्ट सेड टू पॉलिंजी। पॉलिंजी को कह रहा है कि आप, यू मस्ट बी आउट ऑफ योर माइंड, आप अपने दिमाग से काम ही नहीं ले रहे हो, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, आप भी उस बेवकूफ लड़की के बातों में आ चुके हो। पॉलिंजी अनमूड, वो वहाँ से जिस जगह पे खड़ा होता है वहीं पर ही खड़ा होता है। व्हाट इज रॉन्ग विथ इट, इसमें क्या बुरा है। पॉलिंजी सेड टू रॉबर्ट, इसमें क्या बुरा है, उसके साथ में जाने में क्या बुराई है। द डॉफिन इज इन चिनॉन, डॉफिन तो चिनॉन में है, एंड चिनॉन इज द सिटी ऑफ फ्रांस, हम तो फ्रांस के ही लोग हैं, फ्रांस में ही जा रहे हैं, और चिनॉन जहाँ, डॉफिन इज इन चिनॉन, यानी फ्रांस में ही है डॉफिन। लाइक अ रैट इन कॉर्नर एक्सेप्ट दैट ही वोंट फाइट, हमने उस डॉफिन को एक अकेला रख दिया है, एक जो जिस तरह एक चूहा किनारे किनारे पे चलते रहता है उस तरह ही हमने डॉफिन को एक कॉर्नर में रख दिया है, और वह किसी के साथ फाइट नहीं कर सकता। द इंग्लिश विल टेक ऑर्लियंस, और इंग्लिश ने तो विल टेक ऑर्लियंस, जो इंग्लिश पीपल्स है, जो अंग्रेज लोग हैं, वह ऑर्लियंस के ऊपर कब्जा कर लेंगे। ही विल नॉट बी एबल टू स्टॉप देम, वह ऑर्लियंस के जो लोग हैं वह इंग्लिश पीपल्स को रोकने में समर्थ नहीं है। रॉबर्ट ही बीट द इंग्लिश द ईयर बिफोर लास्ट एट मॉन्टग्रीस, आई वॉज विथ हिम। लास्ट ईयर तो ऑर्लियंस ने क्या किया था कि ऑर्लियंस जो ऑर्लियंस के लोग हैं, जो डॉफिन है, जो जो किंग का द किंग ऑफ फ्रांस है, उसने इंग्लिश पीपल के साथ में, इंग्लिश अंग्रेजों के साथ में फाइट की थी, युद्ध किया था, तो उसमें वो कामयाब रहा, मैं भी उसके साथ में ही था। पॉलिंजी बट हिज मेन आर कोड, लेकिन उसके जो लोग हैं, डॉफिन के जो लोग हैं, जो उसके पास में जो सेना है वो बहुत ही कोड मीन्स फ्राइटन, डरे हुए है। एंड नाउ ही कांट वर्क मिराकल्स, और वह कोई अभी जादू कर नहीं सकता। एंड आई टेल यू दैट नथिंग कैन सेव आर साइड नाउ बट अ मिराकल, एंड आई टेल यू दैट, मैं आपको बोल रहा हूँ कि नथिंग कैन सेव आर साइड, हमारी जो साइड है, हमारे फ्रांस वासियों की जो साइड है, वह कोई भी नहीं ले सकता। नाउ बट अ मिराकल, हमारे हमें कोई नहीं बचा सकता हमारी साइड को, हम इतने कमज़ोर हो चुके हैं, बट अ मिराकल, सिर्फ कोई एक जादू हो जाए, कोई चमत्कार हो जाए, वही चमत्कार हमें बचा सकता है। रॉबर्ट मिराकल्स आर ऑल राइट पॉली, द ओनली डिफिकल्टी अबाउट देम इज दैट दे डोंट हैपन नाउ डेज, मिराकल की बात तो ठीक है पॉली, लेकिन द ओनली डिफ़िकल्ट, बस एक ही प्रॉब्लम है, एक ही परेशानी ऐसी है, एक ही कठिनाई है कि आजकल वह भी होते नहीं, आजकल मिराकल्स भी होते नहीं। सो टुडे वी हैव स्टॉप हियर एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस लेसन वी विल सीन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।